पटाखा विस्फोट पीड़ितों का धरना, मुआवजा राशि को बताया नाकाफी, कहा इतनी रकम में मलबा भी नहीं हटेगा। फिरोजाबाद के नौशहरा गांव में हुए पटाखा विस्फोट के बाद पीड़ित परिवारों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विस्फोट के कारण जिनके घर जमींदोजा क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें सरकार की तरफ से दी गई मुआवजा राशि को प्रभावित परिवारों ने नाकाफी बताया है। सरकार द्वारा मकानों की मरम्मत के लिए केवल 6,500 रुपये दिए जाने की घोषणा के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। क्या समस्या को लेके आज आप धरने पर बैठे हैं? सुबह से तब उठे हैं और हमारे दो बच्चे चले गए, घर मकान सब कुछ टूट गया, भैंस बकरी जो आते हैं सफाई में दब गए, जो भी हमारा सामान था सारा दब गया और हम हमारे बच्चों भूखे रो रहे। एक लड़की है वो भूखे, हम भूखे हैं और बच्चे सब ही परेशान है। अब मेरे ना तो कछु नहीं है, जो उन्हें बिछाए के बैठे। कल आपको 4-4 लाख का मुआवजा दिया, क्या मुआवजे से आप संतुष्ट हैं या नहीं? हम तो संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, हमने वैसे नहीं लाई और पानी पिए तो काय से पिए, जब हम नाली को पानी आ रहा हो तो का पी ले, बताओ कहाँ जाए कहाँ करें। आप लोग शासन से कितने मुआवजे की मांग करना चाह रहे हैं? कल यहाँ पर माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आगे चेक आवंटन किए, लेकिन उनको ये नहीं लगा हमारे क्षेत्र के मंत्री होके कि मौके का मुआयना ना करें, घटनास्थल पर मौके पे भी नहीं गए। इससे अच्छा तो अपने घर से ही चेक दे देते वो। अब जनता में इतना आक्रोश, जनता में इतना आक्रोश है कि जिन लोगों को 4-4 लाख मिले हैं, 4 लाख में उनके बच्चों से क्या कुछ नहीं होता। फिर एक और चीज, 1,20,000 इनके पूरे मकान गिर गए हैं, 1,20,000 देखें, 1,20,000 में उनकी जगह साफ नहीं हो पाएगी सर, उनकी जगह भी साफ नहीं हो पाएगी। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या मांग रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं, और सारा समाज और जिनके मृतक के परिवार हैं सब लोग ये चाहते हैं कि कम से कम उनको 25 लाख जो बच्चे खत्म हुए हैं उनको देने, उनके प्रस्ताव किया गया। और जिनका जो मकान टूटा है उनको कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 लाख का कम से कम होना चाहिए, ये चाहते हैं सारे ग्रामवासी। और जब तक तो ये नहीं होगा हम लोग यहाँ पर धरना बैठ के ही यहाँ पर करेंगे, अनशन करेंगे। धरने पे बैठने क्या मांग को लेकर बैठे? मुझे कुछ संतुष्टि नहीं मिली है भाई, 4 लाख से तो मुझे कुछ नहीं होता है, बच्चे गए, बच्चे तो मुझे वापस नहीं मिलने के, पर जो मिला है वो 4 लाख रुपए मिले और उसके अलावा मेरा मकान सब, मेरे रोजी रोटी सब नष्ट हो गया है। उसमें 1,20,000 रुपए में मुझे तसल्ली दी गई है, उसमें कुछ मुनाफा नहीं होगा। मतलब 3 भाइयों के कमरे थे, तीनों भाइयों को खत्म हो गए, 1,20,000 रुपए मिलेंगे, उससे क्या हो जाएगा? दीवार भी नहीं खड़ी होगी, ना कचरा इकट्ठा होगा उसका। क्या चाहते हैं? अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम इतना चाहते हैं हमारे जैसे थे वैसे बना के दे दे और जो मदद कर सके और आगे मदद कर दे, हम इतना ही चाहते हैं।